नमस्कार मित्रों, आज संस्कृत के अगले वीडियो में हम आए हैं संस्कृत के निबंध के साथ। ऐसे जो होता है संस्कृत, और वो भी ऐसे हमारा अनुशासनम का, डिसिप्लिन का, अनुशासनम का निबंध कई बार संस्कृत में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और नॉर्मल भी आपको इसका ऐसे याद होना चाहिए। ये आपको 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो संस्कृत अनुशासनम का निबंध, जो पहली लाइन है वो है, जीवनस्य विविधा क्रियाणाम नियंत्रणार्थम अनुशासनस्य आवश्यकता भवति। मतलब जीवन के विविध कार्यों में, मतलब विविध मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कार्यों में, कामों में के नियंत्रण में अनुशासन का की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नियमबद्ध कार्याणि एव अनुशासनम, नियमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना भी अनुशासन ही है। अनुशासितम जीवनम बिना, अनुशासन जीवन के बिना मनुष्य मतलब मनुष्य की उन्नति असंभव अस्ति, मतलब मनुष्य की उन्नति असंभव है। अनुशासन रहितम मतलब अनुशासन के बिना अनुशासन के बिना जीवन नहीं है। विद्या अनुशासनेव प्राप्नोति, विद्या मतलब कि बुद्धि, जो हमारे पास बुद्धि है, विद्या है, वो अनुशासन से ही प्राप्त होती है। गणवेश धारणम मतलब, गणवेश मतलब आपकी ड्रेस, यूनिफॉर्म पहनना। विद्यार्थी नाम प्रथमम अनुशासनम, मतलब गणवेश धारण करना, यूनिफॉर्म पहनना विद्यार्थी का प्रथम अनुशासन होता है, पहला डिसिप्लिन होता है। ना केवल छात्र जीवन में अपितु बल्कि सर्वत्र मतलब हर जगह अनुशासनम आवश्यकम, अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासनयुक्तः विद्यार्थी अत्युत्तम भवति, मतलब अनुशासन के साथ विद्यार्थी बहुत अच्छा होता है और उसका विद्यार्थी जीवन अति उत्तम होता है। अतः छात्रे अनुशासनस्य पालनं कर्तव्यम, इसलिए छात्र को, स्टूडेंट को अनुशासन डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। सेनायाम अनुशासनस्य अत्यधिकं महत्वं भवति, सेना में भी अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसी तरीके से जो आपको मैंने संस्कृत में अनुशासनस्य का, अनुशासनम का निबंध जो बताया है विथ हिंदी में, आई होप यू गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, या किसी टॉपिक पे जिस पे आपको निबंध जानना है संस्कृत से रिलेटेड, किसी भी तरह की क्वेरीज आपके पास है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको पढ़ के आपको नया वीडियो बना दूँगा। अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किसी से भी रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, तो मैंने पहले से ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ चेक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आखिरी में।